हे गाइस जय हिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24 फोर बाई सेवन सी जोन में तो आज की जो ये वीडियो है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो यहाँ पे नेशनल पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ठीक है 90 मिनट में कैसे आपको पेपर को टैकल करना है कैसे आपको टाइम को कंज्यूम करते हुए सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं क्या आपकी स्ट्रैटी होनी चाहिए वो बताने वाला हूँ स्ट्रैटी अगर आपकी नहीं बनी और अगर आपने अभी तक उस स्ट्रेटजी को नहीं समझा या आपकी कुछ भी स्ट्रेटजी अगर नहीं है पेपर को अटेम्प्ट करने की तो 90 मिनट क्या दो घंटे आपको मिल जाएंगे ना तब भी आप पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे और बाद में बोलोगे कि सर मैं लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया पेपर बहुत टिपिकल था मैं फंस गया मैं ये मैं वो एक्सक्यूजेज दोगे एक्सक्यूजेज देने से पहले ही मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा अगर आप इन चीज़ों को पकड़ के चलते हो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा उन स्टूडेंट्स के कंपेयरिंग में जो विदाउट स्ट्रेटजी यहाँ पे अपीयर होंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आपका एडमिट कार्ड से बात करूँगा ठीक है अगर आपने अभी भी एडमिट कार्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लीजिए एडमिट कार्ड निकाल के उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर एक इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है अदरवाइज क्या होगा आप वहाँ पर जाओगे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भूल गए कुछ ना कुछ, कुछ भूल गए बाद में परेशानी होगी दिमाग में प्रेशर पड़ेगा और अगर उस दिन ये सब चीज़ें हुई तो आपका ये सब चीज़ों का इफेक्ट आपके ओवरऑल एंट्रेंस के परफॉर्मेंस में भी पड़ेगा तो मेक श्योर sure आप चीज़ों को पहले से समझ लें और वहां पे सब चीज़ें लेकर जाएं जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसको आप खुद पढ़ लें और बाकी हमने भी वहाँ पे पढ़ा के आपको बताया है अभी हाल फिलहाल में तो नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा जहाँ पे हमने बताया है कि आपको किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और क्या क्या ले जाना है ठीक है नंबर टू पॉइंट नंबर टू है आपका कि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है मतलब डेढ़ घंटे का ठीक है 60 प्लस 30 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा दैट मीन्स कि आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा टोटल और प्लस पॉइंट क्या है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध तुक्का लगाते हुए चले जा रहे हो ठीक है अगर सीरियस नहीं हो तो बात अलग है लेकिन अगर सीरियस हो तो भाई स्ट्रैटी को आप समझने की कोशिश करना ठीक है नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी ओ फिलिंग की बात आती है ठीक है ओ फिल करने की बात आती है तो ओ एम फिल करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन वाइज जो है चीज़ें दी रहेंगी क्वेश्चन वन टू थ्री फोर और उसके सामने जो है आपके ब्लॉक्स बने रहेंगे मतलब सर्कल्स जो है वो बने रहेंगे चार सर्कल्स बने रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर वन का अगर आपका सी ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे आप देखोगे ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन तो जो सी के नीचे वाला है उसके नीचे आप गोला घुमाओगे ठीक है बस फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आओगे नीचे वाले में टू का अगर ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है तो आप डी वाले पे घुमा दोगे ठीक है कुछ इस तरीके से आपको ओ को फिल करना है अगर कुछ भी समझ में ना आए तो भाई वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आप पूछ लीजिएगा और जल्दी मेरे पास एक ओ शीट रखी है तो मैं आपको अगर आप लोग कहोगे तो मैं ओ का भी जो है एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा ठीक है ओ एम आर रखी है मेरे पास और बात करें कि उसमें दो चीज़ें होती हैं भाई उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ठीक है पहली है आपकी डी ओ बी देट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ और दूसरी है डी ओ दैट इज योर डेट ऑफ एग्जाम तो भैया हर चीज को भरने से पहले देख लीजिएगा ओ एम आर शीट में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर आपको उसका दोबारा चीज़ें नहीं मिलती हैं उसी में करेक्शन करना पड़ता है ठीक है तो ना समझ में आए इन्विजिलेटर से पूछ लेना और देख के भरना डेट ऑफ एग्जाम पूछ रहा है तो डेट ऑफ एग्जाम आप डालना जो भी आपकी डेट है एग्जाम की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना लेकिन जो लिखा है उन चीजों को देखते हुए तब आप वहां पर फिल करिएगा ठीक है so, सो अब यहां पर बात आती है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर विद इन टाइम एंड स्कोर हाई मतलब आप कम समय में या कह सकते हैं कि डेढ़ घंटे में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपका स्कोर भी हाई हो और मैक्सिमम एक्यूरेसी भाई सबसे ज्यादा मैटर करती है मैक्सिमम एक्यूरेसी वो बताने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिएगा सबको बताया आपको भी यही बताऊँगा सौ क्वेश्चन दिए हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्न एंड सो ऑन हंड्रेड तक वन से लेकर हंड्रेड तक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट करना है अगर आ रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन का ए आंसर सही हो जाएगा वेरी गुड अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आगे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट करिए आ रहा है ठीक है टिक करिए नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मूव ऑन थर्ड भी नहीं आ रहा है फोर्थ भी नहीं आ रहा है फिफ्थ भी नहीं आ रहा ना भाई छोड़ दो अभी छोड़ दो यस यू हर्ड राइट छोड़ दो अभी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स करोगे ना सेवन करोगे ना आने लगेगा कोई ना अगर आपने पढ़ा है तो भाई आने लगेगा डेफिनेटली आने लगेगा तो फिर वहां पे आपका एक फ्लो बन जाएगा कि हाँ अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स बनेगा सेवन बनेगा एट नहीं बनेगा मान लो ना आया मैं सपोज करते हुए चल रहा हूँ नाइन्थ नहीं आया टेन आएगा इलेवन आएगा ट्वेल्व आएगा थर्टीन आएगा फोर्टीन आएगा फिर फिफ्टीन नहीं आया कोई बात नहीं छोड़ दो ऐसे करते करते आपको जितने बन रहे हैं ना जितने आपको एग्जैक्ट आंसर पता है भाई पूरे पूरे पहले आप वो क्वेश्चन करिए वन से लेकर हंड्रेड तक सारे के सारे आप पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं अब इसमें क्या होगा आपकी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी भाई सौ में से अगर आपने पचास साठ क्वेश्चन भी सही कर दिए तो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी आपकी बनेगी इसमें ध्यान रखिएगा और इस एक्यूरेसी से क्या होगा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा आप कहोगे भाई मैंने सौ क्वेश्चन में जो है जितना भी किया है ना सब एक्यूरेसी के साथ किया है अब ये कॉन्फिडेंस आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको भी करने में ये जो यहाँ से आपने लिया है ना 100% एक्यूरेसी वाला तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको करने में ये कॉन्फिडेंस मदद करेगा और अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे थे सपोज वो रीजनिंग का था या जीके का था या करंट अफेयर्स का था या मैथ्स का था आपने कहीं पढ़ा हुआ था लेकिन उस समय याद नहीं आया याद आ जाएगा वो ठीक है आप कहोगे सर क्या मतलब जादू हो जाएगा भाई जादू ही है ये करके देखना बहुत सारे क्वेश्चन फिर आपके ऐसे बन जाएंगे ना जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था बट फर्स्ट व्यू मैंने देखा उसका तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ ठीक है तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए पहले वन से लेकर हंड्रेड तक आपको हर एक क्वेश्चन को विजिट करना है और आपको जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जैक्ट आंसर पता है जो श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर जो हो उस पर टिक मार देना ठीक है फिर जो नहीं बन रहा है सेकेंड टाइम में जो आपने अब जो है वन से लेकर हंड्रेड तक जितने क्वेश्चन सही कर दिए एक और चीज़ सुन लीजिए वन से लेकर हंड्रेड तक आपने अब जो क्वेश्चन सही कर दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस की ओवलिंग अब कर लेना पहले ठीक है सपोज वन से हंड्रेड तक आपने सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चन पूरी एक्यूरेसी के साथ सही कर दिए हैं तो सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चन की उसमें जो भी है आपका क्वेश्चन नंबर वाइज अगर आपने क्वेश्चन नंबर वन का ए लगाया ठीक है टू थ्री फोर फाइव छोड़ दिया है सिक्स वाला किया है तो सिक्स वाले के सामने जो ए बी सी डी का ऑप्शन होगा उसमें आप ऑप्शन लगा दो ऐसे करते करते आप पूरा जो है अपना पहले से ही उतना जो आपका आंसर्स है वो वहाँ पे फिल कर लीजिएगा उसके बाद फिर जो आप आंसर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ठीक है सेकेंड टाइम में तब वहाँ पर आप फिर से उसको जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो होता जा रहा है उसमें आप वहाँ पर टिक ओवलिंग करते जाइए ओ में और एक चीज़ बता दूं कि अगर बाय चांस आपको अब यहाँ पे क्या किया आपने सेकेंड राउंड भी कर लिया कि जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आप सोच सकते थे सोच के बना सकते थे वो भी आपने बना लिए अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं ना जो आते ही नहीं हैं तो भाई उसमें आप थोड़ा सा कोरिलेट करके एलिमिनेट करके कोशिश करना कि उन क्वेश्चंस को भी करा जाए ठीक है बट स्ट्रैटी आपकी यही होनी चाहिए इससे आपका क्या होगा ना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आपके सही हो जाएंगे जो आपको आते हैं वो नहीं छूटेगा आपसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि सर 90 मिनट्स में अभी नहीं पेपर होने के बाद अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी और इस स्ट्रैटेजी से वो नहीं गए तो वो बोलेंगे कि सर पेपर हार्ड था मैथ्स में ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे थे बट उसमें ज़्यादा टाइम चला गया सारे के सारे क्वेश्चन कर नहीं पाए भाई एग्जामिनर जान के ऐसे क्वेश्चन रखता है कि आप उसमें फंस जाओ अपनी ईगो पे ले लो कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे ये ईगो आपकी एग्जामिनर जगाता है ताकि आप वहां पे फंस जाओ स्टक हो जाओ और आगे आने वाले जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व ना कर पाओ आपका स्कोर श्यों डाउन हो जाएगा तो श्यों यहां नहीं करना है श्यों यहां करना है अप ले जाना है भाई आप वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ठीक है और ये तो था आपका पेपर अटैम्प्ट करने का और एक और चीज़ बता रहा हूँ भाई साइकोलॉजी इफेक्ट बहुत होता है ठीक है आप कहोगे सर आप बहुत बड़े साइकोलॉजी हो क्या भाई साइकोलॉजी नहीं हो बट जो एक्सपीरियंस किया है ना वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दैट्स इट ठीक है देखो पेपर चाहे कितना भी आसान क्यों ना आ जाए आपको ओवर एक्साइट नहीं होना है और पेपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए आपको ओवर डिमोटिवेट नहीं होना है ठीक है अगर पेपर टफ आया है तो सभी के लिए आया है ठीक है पेपर टफ आया कट ऑफ कम जाएगी पेपर इजी आया कट ऑफ हाई जाएगी पेपर इजी आएगा तो सभी के लिए आएगा पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए आएगा ये याद रखना ठीक है जो सिलेबस आपने देखा वही सिलेबस सबने देखा उसी से सबने तैयारी की तो पेपर हार्ड आया तो सभी के लिए आएगा तो ज़्यादा ओवर एक्साइट भी नहीं होना है एट द पॉइंट कि यहाँ पेपर बहुत ईजी है और ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है एट द पॉइंट कि यहां पेपर बहुत टफ है ठीक है जो स्ट्रैटेजी बताई बस उस पे ध्यान रखना और लास्ट बट नॉट द लिस्ट भाई ये मत सोचना कि सौ के सौ क्वेश्चन आप ठेल कर आओगे सौ के सौ क्वेश्चन आप एकदम करेक्ट करके आओगे ठीक है नॉट पॉसिबल एग्जामिनर जानबूझ के आपका वहां पे ऐसे क्वेश्चन रखता है कि आप सौ के सौ ना कर पाओ ठीक है कोइंसिडेंस वाली बात अलग है भाई वो एक ही है कौन ऊपर वाला वो प्रभु ही है जो हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं ठीक है और या तो फिर मैं मोबाइल लेकर बैठूं साथ में या फिर कुछ ऐसा रिमोट वाली सेंसिंग कुछ करूं है ना तो ये मत सोचना भाई ठीक है ये मत सोचना कि हंड्रेड में से हंड्रेड करके आऊँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आऊँगा बाकी हंड्रेड तो यार करना ही करना है क्योंकि क्या है uh, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं नो डाउट बट ये मत सोचना कि आपको हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कुछ भी मत सोचना नथिंग यू हैव टू थिंक ठीक है क्या सोचना है हमने अच्छे से पढ़ा है हमने सारा का सारा सिलेबस कवर किया है जो भी सिलेबस में था हमने कवर किया वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े दैट इट हमारा इतना काम था अब पेपर कैसा आएगा हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा हमारा कैसा जाएगा पेपर ये सब ऊपर वाले का काम है आपको जो करना था मेहनत आपने कर दी है अब कितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आपको ऊपर वाला फल दे देगा तो यही कुछ करीब सात से आठ पॉइंट्स थे जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अगर आई हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं आप जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और अभी भी अगर कल भी एग्जाम है ना तो भी मैं बोल रहा हूँ भाई ई बुक आप ले लीजिए उसमें आपको चार घंटे बस लगेंगे सिर्फ चार घंटे मात्र चार घंटे में आपको दो घंटे में सारी की सारी जो रीजनिंग है उसका निचोड़ मिल जाएगा पैटर्न सारे के सारे कवर और जो अदर दो घंटे हैं उसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड का जो पैटर्न है जितने क्वेश्चन हैं जिस तरीके के वो सब कवर हो जाएगा ठीक है करंट अफेयर्स मिल जाएगा और उसमें आपको जो आ, वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा मास्टर वीडियोस मिलेंगी हमने मास्टर वीडियोस का नाम दे रखा है ई बुक के थ्रू जो हम दे रहे हैं आपको ठीक है तो मतलब बहुत बेनिफिशियल है आप अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए उसको लीजिए अवेल करवाइए अपने आप को और थोड़ा सा टाइम दे दीजिए स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है बॉस तो ध्यान रखिएगा अगर आपने इसको और इम्प्रूव कर लिया और प्रैक्टिस कर ली एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा और इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें बाकी यहाँ पे आई होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग फॉलो करोगे या नहीं फॉलो करोगे या कैसी लगी स्ट्रैटेजी हमारी जय हिंद